बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा बूस्ट रैप 4 कलेक्शन नंबर 36 है, जिसमें हम बॉर्डर एंड विड्थ देना सीखेंगे। ओके, कि कैसे हम बूस्ट रैप 4 की ऑसम क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर नहीं दे सकते, बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट जो है विड्थ सेट कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ की बूस्ट रैप 4 में। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की शाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आज की दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है 0347-250-60-73, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसको नोट कर लें। और अगर आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना हो या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना हो तो दोस्तों आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 0347-250-60-73। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाया है स्टूडेंट्स आईटी, तमाम दुनिया के आईटी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर और वेब डेवलपमेंट के अंदर। ओके, आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन होंगे उनका मैं आंसर दूंगा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है खिजर शाल टेक्निकल, उसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर जो है रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, तो इस चीज़ को अपने अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डिव ली और इस डिव को लेफ्ट और राइट से मार्जिन देने के लिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप 4 की क्लास यूज़ करूँगा कंटेनर। ठीक है, कौन सी क्लास, कंटेनर, ये कंटेनर क्लास मैंने यूज़ की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास के अंदर एक ले लेता हूँ हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो सबसे पहले मैंने H1 हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे H1 हेडिंग, तो इसमें अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ खिजर शाल टेक्निकल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो मैंने लिया एक पैराग्राफ। ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर जो मैं लिखने लगा हूँ वो आप ध्यान से पढ़ लेना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, तो अब हम इसे देखते हैं कि ये हमारा हेड डिव जो है कंटेनर जिसको हमने क्लास दी हुई है कैसे की नज़र आती है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखें ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक हो गया, तो ओके अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ यहाँ पे देखनी है वो ये है कि बॉर्डर तो देखते ही देखते हैं, साथ विड्थ भी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी जो डिव है, इस ये डिव ऊपर कॉर्नर के साथ चिपकी हुई है, इसको नीचे लेके आना, मीन इसको मार्जिन सेट करना है इसका टॉप से। तो वो हम कैसे करते हैं आपको उसके लिए आपको पता है, हमने लेक्चर नंबर 33 के अंदर पैडिंग और मार्जिन की तमाम क्लासेस बूटस्ट्रैप 4 में सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी बूटस्ट्रैप 4 लेक्चर सीरीज की प्ले लिस्ट में जाकर ये तमाम प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मार्जिन टॉप्स देना हो तो आप लिखते हो एमटी, एमटी स्टैंड फॉर मार्जिन टॉप, और आगे इसके अंदर वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 5 तक। अगर आपने मार्जिन टॉप ना देना हो तो आप 0 लिखते हो, अगर आपने थोड़ा देना हो तो 1, इसके बाद जैसे जैसे ज्यादा करना हो तो वैसे वैसे 2, 3, 4, 5, तो लास्ट वैल्यू होती है 5। ये 5 सबसे हाईएस्ट बूटस्ट्रैप 4 में जो वैल्यू होती है 5, जो कि 5 मार्जिन दे देती है आपको किसी भी तरफ से, टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट की तरफ से। तो मैंने कहा MT5 मीन मार्जिन टॉप की तरफ से दे दो 5, तो रिफ्रेश करता हूँ ये देखें 5, इसने टॉप की तरफ से 5 का मार्जिन दे दिया है। ठीक है, अब ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है दोस्तों अपनी इस कंटेनर को जो है मैंने एक बॉर्डर सेट करना है। तो दोस्तों अगर आपने बूटस्ट्रैप के अंदर किसी चीज़ को बॉर्डर देना हो तो उसको हम बॉर्डर कैसे देते हैं, सिंपल आपने क्लास लिखनी है बॉर्डर की, तो ऐटोमेटिक बॉर्डर है जो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये देखें ये आपने सिंपल क्या लिखना है, बॉर्डर, सिंपली आपने क्या क्लास देनी है, बॉर्डर, तो आपका बॉर्डर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये आपका बॉर्डर ऐड हो गया। मैं थोड़ा इसे जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके, तो ये देखें ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये चारों साइडों पे बॉर्डर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये था बॉर्डर देने का तरीका, कि अगर आपने अपनी किसी चीज़ को चारों साइडों से बॉर्डर देना हो तो आप सिंपल क्या, कौन सी क्लास ऐड करती हो, बूटस्ट्रैप 4 की बॉर्डर। और अगर यहाँ भी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपने बॉर्डर किसी चीज़ का ऑलरेडी बॉर्डर एग्जिस्ट कर रहा हो और उसको आपने ख़त्म करना हो चारों साइडों से, तो फिर आप लिखते हो बॉर्डर -,
जीरो। तो ऐटोमेटिक अगर किसी चीज़ के साथ ऑलरेडी बॉर्डर लगा हो तो वो बॉर्डर ख़त्म करने के लिए आप लिखते हो बॉर्डर जीरो, तो आपका चारों साइडों से बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये देखें, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, जैसे ही मैंने बॉर्डर जीरो दिया तो आपका बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो चुका है। अब लेकिन मुझे यहाँ पे बॉर्डर लेके आना, तो मैंने ये जीरो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बॉर्डर सिंपल लिखा तो यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो जाएगा, रिफ्रेश किया और दोबारा से बॉर्डर ऐड हो गया। अब हम ये सीख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज़ ये कि अब ये बॉर्डर तो ऐड हो गया, इस बॉर्डर को अब हम डिफरेंट कलर भी तो देना चाहते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट कलर ब्लू येलो या इस तरह की जो कोई भी कलर देना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों बूटस्ट्रैप के अंदर बाकायदा हमारे पास एक क्लास होती है, आपने सिंपल ये बॉर्डर के आगे एक और क्लास देनी है कलर देने के लिए। तो कलर देने के लिए आपने लिखना बॉर्डर हाइफन और अपने कलर का नाम। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप फॉर्मेट डिफरेंट जो है कलर्स होते हैं, बॉर्डर डेंजर के नाम से, बॉर्डर डार्क, इन्फो, लाइट, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइमरी यूज कर लेता हूँ, तो आपने सिंपल ये बॉर्डर बॉर्डर की क्लास करेगी बॉर्डर दे देगी। देन बॉर्डर कलर देने के लिए आप दोबारा से क्या लिखोगे, बॉर्डर हाइफन कलर का नाम, जो अभी प्राइमरी सेकेंडरी जो मैंने आपको सारे बताए हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने देखें बॉर्डर प्राइमरी दिया तो यहाँ भी आपके बॉर्डर कलर हो जाएगा प्राइमरी, ये देखो ब्लू कलर का बॉर्डर हो गया, ओके। अगर आप यहाँ पे कोई और फॉर एग्जाम्पल कलर दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने दिया बॉर्डर लाइट, या चलें लाइट पहले करके देख लेते हैं, तो आपका बॉर्डर का कलर लाइट हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें बॉर्डर का कलर बिल्कुल लाइट हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, लाइट हो गया। इस तरह एक और कलर आपको ट्राई करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो सक्सेस, ठीक है। तो बॉर्डर सक्सेस मीन मेरे ख्याल से ये ग्रीन कलर का बॉर्डर हो जाएगा, ओके। ये इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश और ये देखें सक्सेस, वाकई ये ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये था तरीकाकार बॉर्डर देना हो तो बॉर्डर लिखते हैं, अगर बॉर्डर ख़त्म करना हो तो बॉर्डर हाइफन जीरो लिखते हैं, और अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना हो तो हम लिखते हैं बॉर्डर हाइफन आगे कलर का कोई भी नाम, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, वार्निंग, इन्फो, कोई भी, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमने सीखनी है, चले हम प्राइमरी यहां पे सेट कर लेते हैं, वो प्यारा लग रहा था, ठीक है। तो मैंने यहां पे सेट कर दिया दोबारा से प्राइमरी। देन नेक्स्ट जो हमने क्लास सीखनी है वो ये है दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने चारों साइडों से बॉर्डर खत्म करना हो तो आप लिखते हो बॉर्डर हाइफन जीरो, लेकिन अगर आपने चारों साइडों से बॉर्डर खत्म ना करना हो, किसी स्पेसिफिक साइड से बॉर्डर खत्म करना हो, फॉर एग्जांपल टॉप की तरफ से खत्म करना हो, लेफ्ट की तरफ से खत्म करना हो, बॉटम की तरफ से खत्म करना हो, या राइट की तरफ से खत्म करना हो, तो उसके लिए हमारे पास चार डिफरेंट क्लासेज होती हैं, ओके। तो वो क्लासेज क्या हैं, आपने सिंपल क्या लिखना है बॉर्डर हाइफन, अगर फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट की तरफ से खत्म करना है तो आप लिखोगे बॉर्डर और अपनी साइड का नाम भी बताओगे, बॉर्डर हाइफन अपनी साइड का नाम, जिस साइड से आपने बॉर्डर खत्म करना है तो आप लिखोगे बॉर्डर हाइफन लेफ्ट हाइफन जीरो, क्योंकि ख़त्म करने के लिए हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉर्डर हाइफन जीरो लिखें तो चारों साइडों से बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक साइड से ख़त्म करना हो तो हम लिखते हैं बॉर्डर हाइफन साइड का नाम हाइफन जीरो। तो अब आप कह रहे हो बॉर्डर हाइफन लेफ्ट हाइफन जीरो मीन लेफ्ट की तरफ से जो बॉर्डर है वो ख़त्म कर दो। तो ये मैं देखें आपके सामने इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें आपने गौर किया लेफ्ट की तरफ से आपका बॉर्डर ख़त्म हो गया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपने राइट की तरफ से भी बॉर्डर ख़त्म करना हो तो आप दोबारा से एक और क्लास दोगे यहाँ पे, क्या बोला बॉर्डर हाइफन अपनी साइड का नाम राइट हाइफन जीरो, ठीक है। तो ये आपने लिखा तो राइट साइड से भी आपका बॉर्डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें राइट साइड से भी बॉर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी ये जो टेक्स्ट है अंदरून मीन ये डिव के अंदर ये बॉर्डर और अंदरूनी साइड से ये जो टेक्स्ट का फासला है ये थोड़ा कम है, ठीक है। मीन बॉर्डर के अंदरूनी साइड से ये टेक्स्ट का जो फासला आपको नजर आ रहा है थोड़ा कम है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बढ़ जाए। तो आपको पता है अंदरूनी साइड से हम यूज़ करते हैं पैडिंग, नॉट अ मार्जिन, मार्जिन बिरूनी साइड से फासले के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने अंदरूनी साइड से फासला बढ़ाना हो या कम करना हो तो उसके लिए हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर आपको पता है मैंने आपको पैडिंग भी सिखाई हुई है, पैडिंग की सारी क्लासेस भी सिखाई हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने पैडिंग चारों साइड से इंक्लूड करवानी है, तो मैंने अपने ये डिव के अंदरूनी साइड से चारों साइड से फासला देना चाहता हूँ, मीन पैडिंग देना चाहता हूँ। तो आपने सिंपल लिखना है पैडिंग, अगर आपने चारों साइड से पैडिंग देनी हो तो सिंपल आप लिखते हो पी, पी स्टैंड फॉर पैडिंग, ठीक है। और हाइफन आगे पैडिंग की वैल्यू, अगर आप जीरो देखो तो कोई पैडिंग ऐड नहीं होगी, अगर आपने बढ़ानी है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल पैडिंग दे दी 5, तो ये पैडिंग 5 ऐड हो जाएगी, मीन चारों साइडों से 5 टाइम पैडिंग ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक साइड से पैडिंग देनी हो तो आप पी के आगे साइड का नाम बताते हो, जैसे मैंने आगे आपको बताया था मार्जिन के आगे मैंने साइड का नाम बताया टी, तो एम टी स्टैंड फॉर मार्जिन टॉप, एम एम अगर आप एल लिखोगे यहाँ पे तो एम एल स्टैंड फॉर मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, ठीक है। इस तरह पैडिंग के अंदर भी यही होता है, ओके। तो लेकिन मुझे चारों साइड से पैडिंग ऐड करनी है 5, तो मैंने पी हाइफन 5 लिख दिया कि चारों साइड से पैडिंग ऐड कर दो। तो ये मैं करता हूँ इसे रिफ्रेश और ये देखें ये आपने गौर किया मेरी चारों लेफ्ट
टॉप बॉटम और राइट साइड से चारों साइडों से पैडिंग अंदरूनी साइड से ऐड हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे काम ये करना है कि मुझे अपना ये जो टेक्स्ट है डिव के अंदर इसको सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए आपको पता है बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है टेक्स्ट हाइफन सेंटर, जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाता है। तो आप क्या लिखे होगे, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये प्यारा लग रहा है, ये आपका सेंटर टेक्स्ट जो है बिल्कुल डिव के सेंटर में आ गया। नेक्स्ट लास्ट पे जो चीज़ मैंने आपको सिखानी है वो ये है कि अपनी डिव का या अपनी किसी भी चीज़ की विड्थ कैसे सेट करते हैं बूटस्ट्रैप 4 की असम क्लासेस के जरिए। ओके, तो सिंपल उसके लिए दोस्तों आप विड्थ देने के लिए आप डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हो, डब्ल्यू स्टैंड फॉर विड्थ, ठीक है। तो डब्ल्यू स्टैंड फॉर विड्थ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब विर्थ के आगे आपने कितनी विर्थ देनी है, इसकी चार वैल्यूज होती हैं बूटस्ट्रैप 4 के अंदर, एक 25, एक 50, एक 75 और एक 100। आपने अब 25 यहाँ पे 25 100, ये वैल्यू असल में परसेंटेज के लिहाज से हैं कि आपकी अगर लिखो आप लिखोगे ना डब्ल्यू हाइफन 25, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन की 100% जो विर्थ है उसमें से 25% जो विर्थ है वो मेरी इस चीज़ को एलोकेट कर दो। अगर आप 50 लिखोगे तो इसका मतलब है आप कह रहे हो कि ओवरऑल 100% विर्थ में से 50% विर्थ मेरी इस चीज़ को एलोकेट कर दो। अगर आप 75 लिखोगे तो आप 75% एलोकेट करवाओगे, और अगर आप 100 लिखोगे तो पूरी की पूरी ओवरऑल आपकी विर्थ जो है सेट हो जाएगी। तो मैंने फॉर एग्जांपल पहले आपको लिख के दिखाता हूँ, तो पहले मैंने आपको यहाँ पे विर्थ क्या सेट करवाई है W-25। इसका मतलब ये है कि मेरी ओवरऑल डिवाइस की विर्थ में से 25% विर्थ जो है मेरी इस चीज़ को एलोकेट कर दो। मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, ये आपने गौर किया कि 20 मेरी ओवरऑल ये डिवाइस की 100% विर्थ में से 25% विर्थ मेरी इस डिव को एलोकेट कर दी गई है। अब फॉर एग्जांपल आपने विर्थ बढ़ानी है तो आप सिंपल क्या लिखोगे, आपने अगर इसमें चार ही वैल्यू सिर्फ होती हैं 25, 50, 75 और 100, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देते हो यहाँ पे 50, तो इसका मतलब है आप कह रहे हो आधी जो डिवाइस की विर्थ है वो मेरी इस चीज़ को एलोकेट करवा दो। ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, ये 50% जो विर्थ है वो मेरी इस डिव को एलोकेट करवा दी गई है। देन अगर आपने बढ़ानी है मजीद इसको, तो आप लिखोगे 75, मीन तीसरी वैल्यू 75, तो 75% जो विर्थ है वो आपकी इस डिव को एलोकेट करवा दी जाएगी। तो ये देखें, ये 75% डिव को एलोकेट कर दी गई है विर्थ ओवरऑल 100% में से। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हो 100, तो इसका मतलब ये आप कह रहे हो कि जितनी मेरी इस करंट डिवाइस की विर्थ है उतनी ही ओवरऑल विर्थ जो है मेरी इस चीज़ को एलोकेट कर दो। तो ये मैं करता हूँ रिफ्रेश और ये देखें, इसने 100 जो परसेंट, अब आप कहोगे जी 100 मैंने लिखा है लेकिन इसने ये लेफ्ट और राइट से मार्जिन क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपने खुद यहाँ पे क्या किया हुआ है, कंटेनर लगाया हुआ है क्लास। और आपको मैंने आपको पहले बताया था कंटेनर की क्लास क्या करती है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट से मार्जिन छोड़ देती है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये कंटेनर क्लास अगर खत्म कर दोगे तो ये देखना, ये आपकी 100% जो विड्थ है वो ओवरऑल एलोकेट करवा देगा। ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, ये आपने गौर किया जैसे ही मैंने कंटेनर क्लास खत्म की तो फौरन से इसने मेरी ओवरऑल करंट डिवाइस की विड्थ की जो 100% विड्थ थी वो ओवरऑल एलोकेट करवा दी है। लेकिन जब आप कंटेनर का इस्तेमाल करते हो तो फिर ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट से थोड़ा मार्जिन छोड़ देता है। तो ये मार्जिन अच्छा लग रहा था तो मैं दोबारा से कंटेनर क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से कंटेनर क्लास का ऐड करता हूँ, कंटेनर क्लास, ठीक है। और यहाँ पे विर्थ मैं 75% सेट कर देता हूँ, ठीक है, 75% सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थी विर्थ, बॉर्डर, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कैसे ख़त्म करते हैं, कैसे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखें हमने कवर अप की हैं। तो ये देखें, मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई हैं। तो हमने दो टॉपिक कवर करने थे, एक बॉर्डर और एक विर्थ। तो विर्थ की भी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने सारी क्लासेज आपको सिखा दी हैं और बॉर्डर की भी सारी असम क्लासेज बूटस्ट्रैप 4 के अंदर सिखा दी हैं। तो ये होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं या आप मुझे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 0347-250-7073 के ऊपर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को इस तरह की असम वीडियोस डेली बेसिस पर हासिल करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।